तो इतने गंदे कमेंट आए थे। बोला था ये मोटी देख मोर घर में मत आ, मोर घर टूट जाई, मतलब तोर घर इतना कमजोर बना है का तोर बाप दादा माँ जो जैसे खुद को एकदम हवा का हड्डी समझते हैं। उन लोग को ये बोलना चाहिए अच्छा हम एक सोएंगे तो उठाएंगे, इधर जाओगे तो सवाल उठाएंगे, उधर जाओगे तो सवाल उठाएंगे, तो क्या हम ऐसे एक जगह बैठे रहे घर पे लेटे रहे। इतहस यार भौजी कौन बोलीस आपला इग्नोर कर साले मल्ला खुश इसगरी हिंदी इंग्लिश पूरा मिक्स करके लिख दिए हो, मिक्स वेज मत बनाओ दीदी यहाँ प्लीज। वेलकम माय यूट्यूब चैनल, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आज ये मेरा ना लास्ट पिज्जा है करके मैं स्टेटस रखी थी और जस्ट मुझे एक और पिज्जा का ऑर्डर आ गया, मतलब 30 जून को मैंने एक केक बनाई है, ये फोटोज देखिए ऐसी सेम केक, और अब मैं बनाने जा रही हूँ पिज्जा। तो 30 जून का लास्ट पिज्जा नहीं है, एक और बनने वाला है, मतलब 3 पिज्जा मैंने आज टोटल बनाई है। ये देखो सारा सामान यहीं पे रखा हुआ है, जस्ट अभी डिलीवरी की, मतलब अभी नहीं एक घंटा हो गया। तो वीडियो पे बने रहिए, आज का व्लॉग ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी हम जाएंगे कुछ ख़रीदारी करने, मैं तैयार हुई थी घूमने जाऊंगी करके, कुछ वीडियोस वगैरह बनाऊंगी करके, लेकिन पिज्जा ऑर्डर आ गए। लाइट ही ऑफ हो गई है या बना फ्रेश हो गए लाइट ऑफ तो गाइस यहाँ पर मुझे आ गए हैं एक अर्जेंट पिज्ज़ा का ऑर्डर, हमें घूमने जाना था, मैं बिल्कुल रेडी थी, तैयार थी, बाहर बारिश हो रही थी और इनके भाई जो थे ना वो कार को ले गए थे और बाइक से जा नहीं सकते थे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इसी लिए रुके थे कि वो आएंगे तो हम लोग जाएंगे। तो इसी बीच ना मुझे एक पिज्ज़ा का ऑर्डर आ जाता है और आज मैं सोची थी कि ना आज 30 जून है, 30 जून का इस मंथ का लास्ट पिज्ज़ा और केक है करके स्टेटस डाली थी। ये देखो ये पिज्जा था और ये केक था, तो उसी के बाद जस्ट मैं स्टेटस डाली अपने इंस्टाग्राम पे, तो वो इंस्टाग्राम मेरे देखते होंगे, मुझे पता नहीं था कि वो मेरे इंस्टाग्राम भी देखते होंगे, तो जस्ट मैं वो स्टेटस रखी और आधा घंटा ही हुआ था फिर वो देख लिए। फिर ना स्टेटस से ना मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन इंस्टाग्राम का मैसेज मैं थोड़ी लेट रीड करती हूँ तो मैं नहीं देख पाई, तो ना मेरे हस्बैंड का नंबर उसके पास रहे होंगे तो वो मेरे हस्बैंड को कॉल किए थे कि पिज्ज़ा चाहिए करके, फिर मैं बाद में ये पिज्ज़ा बना लेती हूँ तब देखती हूँ कि अच्छा ये वही है क्या आप बोले थे, उसी का एक आया है लड़का का पिज्ज़ा ऑर्डर देना है करके, तो उसी का है, तो मेरे बोलते हैं हाँ ये तो वही है करके, तो मैं सोची अरे वाह इन लोग भी मेरा इंस्टाग्राम देखते हैं, मुझे पता ही नहीं था, अब बहुत लोग देखने लग गए हैं मेरा इंस्टाग्राम, स्टार्टिंग में नहीं देखते थे, थोड़ा ठीक ठाक व्यू जा रहा है, मतलब हाँ 1000 तक व्यू जाता है तो मुझे अच्छा लगता है, पहले तो 50-100 ही व्यू जाता था लेकिन अब ठीक ठाक व्यू जाता है। तो हम ना मेरे चैनल पर ना पिज्ज़ा रेसिपी अपलोड है पूरी मेजरमेंट के साथ, तो आप सर्च करके देख लीजिएगा मेरे चैनल पर, अभी मैं डाल रही हूँ इस पे डाली हूँ, मैदा है, शक्कर है, चीनी है और क्या बोलते हैं उसको स्वीट, मेरे को याद नहीं आ रही, ये बटर है, ऑलिव ऑयल डलता है और एक में ये क्या बोलते हैं पिज्ज़ा का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ईस्ट, जो फुलाने का काम करती है पिज्ज़ा को, तो वही ईस्ट भी डलता है, तो इन सारी चीज़ों को डालकर मैंने अच्छे से इसे मसल कर इसे ना करीबन 10 मिनट तक गूँथना रहता है, उसके बाद ना 20-30 मिनट तक इसे रेस्ट देने रहता है, उसके बाद जब ये अपने से डबल साइज पे फूल जाता है उसके बाद हम इसे बनाते हैं। तो गाइस आज मैं तैयार हुई थी कहीं घूमने जाने के लिए, ये देखिए और लाइट आ गई, एक सेकंड ना मैं फैन वगैरह बंद कर देती हूँ ताकि मेरी आवाज़ आए। तो अभी मेरे को ना पिज्जा ऑर्डर्स आ गए, मैं स्टेटस ही डाली थी कि आज का हमारा लास्ट पिज्जा है, तो एक और पिज्जा की ऑर्डर आ गई है,
इसे मैंने गुद कर इस तरह से रख लिया, ये उसकी ड्रेसिंग करने का है। और ये देखिए, ये ऊपर से चिली फ्लेक्स अपन डालेंगे। मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं बाहर, बहुत बारिश हो रही है, हम घूमने जाएंगे करके सोच रहे हैं, लेकिन बाइक में तो जा ही नहीं पाएंगे। तो मुझे लगी है भूख, मैं खाऊंगी आम। मैं जल्दी खाना खा ली थी ना, तो मेरे को थोड़ा भूख लग रही है। तो शायद मेरे हस्बैंड जी आप भी खाओगे आम, काटूँ कि नहीं काटूँ आपके लिए। तो हम दोनों आम इंजॉय करेंगे अभी। और सोच रही थी बाहर घूमने जाएंगे, लेकिन पिज्जा ऑर्डर्स आ गया, तो पिज्जा को बनने में कितना टाइम लगता है पता है? आधा घंटा तो उसको रेस्ट देना रहता है आधा, और आधा घंटा अपन बैक होने में लगता है, एक घंटा लग ही जाता है। तो वही, इसीलिए अभी अभी बजा है 5, शायद एक सेकेंड मैं गलत बोल रही हूँ या सही, हाँ 5 बजने ही वाली है। आज तो गई, आज तो जाने ही नहीं मिलेगा। कल भी ऐसे जाने के लिए सोचे थे, कल भी जाने को नहीं मिला, आज भी जाने को नहीं मिला गाइस। और आज का केक बहुत प्यारा डेकोरेशन हुआ है, तो आप ना वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको केक डेकोरेशन की कुछ वीडियोस क्लिप भी दिखाऊंगी। और ये देखिए, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो इधर, चक दे इंडिया। हाँ, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे इंडिया ने, बताओ जी, T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीत गए। उसके लिए मैं तो क्रिकेट नहीं देखती, मेरे हस्बैंड कल रात को देख रहे थे, तो वही बता रहे थे कि जीत गए, और बहुत लोगों ने आज स्टेटस भी लगाए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक कि चलो इंडिया ने जीत ही ली वर्ल्ड कप। मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा क्रिकेट में, तो मुझे समझ भी नहीं आता। ओए हीरो, आओ इधर, इधर देखो। तो गाइस, आज ना मैं आप सबके बहुत अच्छे 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 बहुत अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ने वाली हूँ। तो ये रहे मेरे हस्बैंड का मोबाइल, तो इसी के मोबाइल से ना मैं पढ़ूंगी। आप ऐसे इधर बैठो ना, तब तो आओगे। तो देखो आपका पर्स आ रहा है, कट गया, मैं देख रहा हूँ बस। आप नहीं, आप अभी इधर कमेंट का वो करोगे ना जी, मेरा आईडी इसमें देखते हैं। ये फट से हमारा ही आईडी आया इनके पे, जो मैं वीडियो अपलोड की थी, तो फर्स्ट वीडियो ये वाला आया। तो ये कहाँ से गाना इसमें सुनाई ही नहीं दे रहा अपन को, उसमें थोड़ी सुनाई देना है, दीवाना है ना, तभी तो समझ आएगी। ठीक है, आप सीधा ऐसे मेरे टाइप क्यों नहीं बैठ रहे थे, परेशान नहीं, सीधा बैठो ऐसे। हो गया। तो ना इंस्टाग्राम पे मैं एक वीडियो पोस्ट की थी, तो उस वीडियोस पे इतने गंदे कमेंट आए थे, ठीक है, क्या बोले थे उन्होंने मेरे को, अच्छा मेरा आईडी कहाँ है यार, तो वो क्या बोले थे मेरे को, देखो मेरे को कमेंट याद ही नहीं है, तो उनका ही कमेंट मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कमेंट था, और ये वीडियोस चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा है, देख के रोड भसक जाही, तो सीजी में उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो मैं सीजी पे बनाती हूँ वीडियो, ठीक है, क्योंकि ये सीजी पे वीडियोस था, तो सीजी पे कमेंट है, तो मैं सीजी पे बताती हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि देख के रोड भसक जाही, तो देख भाई, ते हम मोर से मोटी मोटी ये वो इंसान नहीं देखे हस, मैं इनके नहीं देखे हस, पृथ्वी हमारा इतना बड़े है, ते मत कतनों बड़े बड़े पहाड़ मन है, पृथ्वी ला सही जथे, जमीन ला सही जथे, इतना बड़े बड़े पहाड़ है, ते कभी दुनिया नहीं देखे इसका, ते बस अपन काबल थे कुआं में ढक रसका, कुआं के पानी बस मेरा थसका, बता ना इतना बड़े हमारे पृथ्वी है, जो हर भार ला सही लेते, पता है। तो मैं क्या चीज हूँ, 60-70 किलो ही तो तेहरा, तो का इतना के भी वजन लो नहीं सी पाई, उतने का तर पर ऐसे कमेंट करे हंस, देख के रोट भसक जाए, ये भसक जी, वो भसक जी, ये बता तो घर में कोई भी मोटी इंसान नहीं है, तोर माँ नहीं है, या फिर तोर पापा नहीं है, या फिर तोर माँ बहन पापा बुआ फूफा मामा कोई तो हुई तो घर में मोटी इंसान, तो कहते हो कर जगह जाके सीधा ऐसे बोला थोड़े, ये मोटी देख मोर घर में मत आ, मोर घर टूट जाई, मतलब तोर घर इतना कमजोर बना है का, तोर बाप दादा माँ जो इतना कमजोर है वो कर जाते ही टूट जाइए, ऐसी बोले कर तो घर में, अगर कोई भी मोटी इंसान हुई वो अंदर आत हुई ना, तो ऐसी बोला बोलवे ये मोटी, तो मोर घर में मत, मोर घर टूट जाइए फसक जाइए, काबर की मोर दाई देता मन बहुत कमजोर घर बनाया है, वह फसक जाते आते ही चढ़ जाते, ऐसे करके बोलवे कर, कहा बोलो यार तुम कर बकवास बकवास मैसेज कर दो। तो फिर ऐसी कमेंट आया जिस, अगर मैं है ना रिप्लाई में ये लिखे रही हूँ इतना लंबा चौड़ा, ठीक है, मोर हस्बैंड कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलूँ, ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं लोग भी, जैसे खुद को एकदम
हवा का हड्डी समझते हैं उन लोग को ये बोलना चाहिए। अच्छा हाँ मेरे को ना पता है, कोई भी कमेंट करते ना तो मेरे दिमाग में ये नहीं आवा कि अच्छा अच्छा ले लाई से बोलो। तो एक जना बहुत सुंदर कमेंट करे रही पता है, बोले रही से दीदी ते बोला बोलना ते पत्ता है रस की लकड़ी है रस देख के उड़ जा ऐसे बोले रही से। तो बोला बहुत हंसी है सला पढ़ के, हाँ ये भी तो मैं बोल सका था बोला रिप्लाई में। लेकिन एक बात बताओ ऐसी मतलब रिप्लाई कर भी ना आता, एक रिप्लाई कर भी तो ना मन हजार सौ मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि कीचड़ में क्यों पत्थर मारूं, मैं ही मारूंगा तो मेरे भी उछलेगा, इससे अच्छा जाने देते हैं फालतू के ज्यादा ध्यान नहीं देते आगे बढ़ने में ही ज्यादा अच्छा। तो हाँ तो फिर मैं वहाँ लिखे रहे हैं संगवारी हो मोला ऐसने कमेंट करके आप मल्ला का मिल थे मोटी हो तो तू मल्ला अतका काबर पिरा थे। ठीक है ऐसे लिखे रहे मैं इग्नोर करूँ सोचता हूँ फिर ऐसने कमेंट लग पढ़ के थोड़ा उदास हो जाता हूँ अतका मोटी लगता हूँ का आप मल्ला ऐसे करके मैं लिख के वीडियो डाले रहे। तो ये वीडियो बहुत जन पसंद करी से बहुत जन लाइक भी करी से अच्छा व्यू भी गई से और ना एमा कमेंट ना 101 कमेंट है तो बहुत वीडियो लंबा हो जाए तो कुछ कुछ कमेंट लग पढ़ता हूँ जब कमेंट पर ऊपर में ही ओकरे कमेंट लग पढ़ूँ या फिर नीचे से स्टार्ट कर सोचे कमर की नीचे से स्टार्ट करूँ ना तो मोर बहुत अच्छा अच्छा सा क्या बोलते हैं फॉलोअर मन है जो मन शुरू से मोला बहुत पसंद करते बहुत अच्छा अच्छा मैसेज करते ओकर मन के तो मैं नीचे से पढ़ा था। ठीक है सबसे पहली मैसेज आते गलत बोली से, ठीक एक जन बोलते गलत बोली से, एक जन बोलते यू आर सो ब्यूटीफुल डियर नाम भी पढ़ा जाऊँ का, ठीक है नाम भी पढ़ता हूँ ना। सहनी है बोला थे मोला सबो जन पतली पतली की थे गा ऐसे बोला थे, फिर एक जन बोला थे हेमलाल राम कहाँ से हो दीदी, फिर उसको मैं बता देता हूँ मैनपुर से हूँ मैं। एक जन बोला थे सरिता निषाद जो मोरे ही नाम के है मोर नाम भी सरिता निषाद है, तो फिर ना नाइस क्यूट हो आप दी ऐसे करके बोल रहे। एक जन बोलते भूषण हाँ छत्तीसगढ़िया, भूषण छत्तीसगढ़िया तहूँ बोल दे कर रेगरा की के ज़्यादा मत उड़ फेफला फेफली हवा में उड़ जाऊँ बोल देकर ऐसा करके। तो बोला ये रिप्लाई आत नहीं रही समझ मन में मोर दिमाग में आवाज नहीं रही सच में इसे बोल सकत रहे बोला। ठीक है तो बोला ये कमेंट करके बहुत हंसी है इसे भाई। फिर एक जन बोलते नाइस एक आज चुपा नाइस चुपा ये क्या था यार मुझे नहीं पता। एक जन का कहते कमीना एक जन का कहते पता है हावस था हावस ओमा तो रोए वाला का बात है भैसा ऐसे करके कमेंट करे कमीना कहीं का उसको क्या बोलूँ यार छोड़ बताओ कौन है वो उनका नाम पढ़ना मैं जरूर नहीं समझती नहीं पढ़ती। ठीक है लता जी मेरे को लिख दिया है वीडियो बनाना बंद कर दो जी कमेंट नहीं आएगा दी, वीडियो डालोगे तो कमेंट आता ही रहेगा ये क्या बात हुई, मतलब मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ क्यों उन जन लोगों के लिए छोड़ दूँ, उन लोग तो आपके खाना पे सवाल उठाएंगे चलना पे उठाएंगे सोएंगे तो उठाएंगे इधर जाओगे तो सवाल उठाएंगे उधर जाओगे तो सवाल उठाएंगे, तो क्या हम ऐसे एक जगह बैठे रहे घर पे लेटे रहे अपना काम वाम नहीं करें, हम कुछ अच्छा काम करें उस पर भी सवाल उठाएगी कि ये करिए वो करिए, तो क्या अपना अपना सब काम करके सब काम धाम छोड़ कर हम ऐसे बैठ जान का ऐसी बैठ जान का सब काम छोड़ के बताना ऐसे नहीं करना चाहिए। काकरो एक गंदा कमेंट करे से हम काबर हिम्मत हारबो हम काबर वीडियो बनाना बंद करबो तो लग कोई तोड़ जवाब देना चाहिए तो वही तो लग कोई बोली ऐसे मत कर दे तो लग कोई बोली ऐसे मत करता ते का वो चीज़ लग करना बंद कर देवे या फिर वो चीज़ कोई खाए के रही तो लग बोली कि ये चीज़ ला मत खाता ते का वाला खाना छोड़ देवे बताना काकरो कहे से काबर हम छोड़बो भाई ये बात गलत बात है ना काकरो कहने से ना कोई काको बोले से रुका नहीं। ठीक है मैं हिंदी भी लॉग बना दूँ तो बीच में हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों आते तो मन इंजॉय करा। ठीक है सुषमा लहरे बोलते नहीं यार मोटी हो का करके बोलते हो तो नहीं यार क्यूट हो करके बोलते बहुत सारा हाट हाट आए होकर मन के लिए पड़ा था। ठीक है साहिल साहू बोलते एकदम फिट हस यार भौजी कौन बोलीस आप लाई से बोलते तो देख लो मैं टैग के भाई बोलूँ और बोलते मोटी कहाँ हो आप नाइस जोड़ी है दीदी जी ऐसे बोलते उमेश बोलते ते मोर छोटे बहनी हरस मोर भाई उमेश डेश लहरे का डेश लहरे नंबर दे अपन वो बोलते अगले महीना मोला राखी बांधे बर आबे मोर बहनी नहीं है मोर सिस्टर खत्म हो गए सॉरी तो बोला थे ओकर बहनी नहीं है तो मोला राखी बांधे बर आबे करके बोला थे। ठीक है तो ला राखी बांध ऑनलाइन ही राखी बांध ठीक है। कुसुम जी लिखते जो खुद बने नहीं दिखे वो मन बुराई करते इग्नोर कर साले मल्ला खुश रहबे इसे बोलते
सब लोग मैं थैंक यू रिप्लाई कर चुके हैं। हाँ, बहुत जन के नहीं पड़ा था इमोजिन पे जोकर मन के जो लंबा लंबा मैसेज करे ना ओला भेजा था। एक जन लता ठाकुर लिखते आप मेरी फेवरेट हो दी लिखते हो सो स्वीट थैंक यू सो ब्यूटीफुल मैम ऐसे लिखते। एक जन अलका एक जन नाइस लिखते नीलू करके नाम है। विवेक हका लिखते पता है विवेक चंद्राकर हका लिखते छत्तीसगढ़ी हिंदी इंग्लिश पूरा मिक्स करके लिख दिए हो मिक्स वेज मत बनाओ दीदी यहाँ प्लीज। तो मैं बता था मैं शुरू से हिंदी व्लॉग बना था ना तो अभी अभी छत्तीसगढ़ी व्लॉग मिनी व्लॉग में अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं मिनी सीजी व्लॉग तो हर मन बार इंस्टाग्राम के लिए बनाता हूँ बाकी मैं है ना यूट्यूब में हिंदी ब्लॉग ही बनाता हूँ तो कर सकती ना दोनों मिक्स हो जाते। प्रतिमा साहू बोलते जो बोल रहे हैं वो भी तो हाँ क्या बोल टाइम हो रहा है। अच्छा टाइम हो रहा है तो यहीं से रोक देते हैं ना रुको मैं टाइम हो रहा है मैं पिज्जा का देखती हूँ। ये देखो मेरा पिज्जा का डो अच्छा से खुल गया है। आगे का कमेंट यहाँ तक से ना हम आगे का कमेंट थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं ठीक है। तो हमारा ये देखिए इसका फिर से एयर बाहर निकालना रहता है छत्तीसगढ़ ही मेरे को ठिया था जी हिंदी चाह रहे थे मुझे तो ना इस एक एयर बाहर निकालने पर पड़ते पिज्जा के देखो अब एक बाद में है ना तैयार कर था 5:30 तक यह बन जाए तो चलो थोड़ा देर बाद मिलते हो ना रख दीजिए।